इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इन 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को बिना लाइसेंस के चला सकते हैं, कीमत 40,000 रुपए से शुरू। इलेक्ट्रिक स्कूटर विदाउट लाइसेंस इन इंडिया। भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग में इजाफा हो रहा है। इसकी वजह पेट्रोल की आसमान छूती कीमतें तो है ही, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रदूषण भी नहीं फैलता। लेकिन दोपहिया वाहनों को सड़क पर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस डीएल की जरूरत होती है। हालांकि कुछ लोग डीएल नहीं होने की वजह से ड्राइविंग करने से महरूम रहते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। देश में ऐसे कई वाहन हैं जिन्हें बिना ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और बीमा के भी चलाया जा सकता है। क्यों नहीं पड़ती डीएल की जरूरत? बता दें, बाजार में दो तरह के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन हैं, हाई स्पीड और लो स्पीड स्कूटर। कम पावर वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल जो 250 W की मोटर से लैस हैं और जिनकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं है, उन्हें बिना ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और बीमा के भी चलाया जा सकता है। वहीं हाई स्पीड वाहन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है। इस समय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटरों के कई विकल्प उपलब्ध हैं जिन्हें चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। यहां हम आपको उन किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बारे में बता रहे हैं जो न सिर्फ कम कीमत में आती हैं, बल्कि उनमें बेहतर ड्राइविंग रेंज भी मिलता है। हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश लक्स। देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक कई इलेक्ट्रिक वाहन पेश करती है। बता दें कि हीरो इलेक्ट्रिक का दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प से कोई संबंध नहीं है। इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो हीरो इलेक्ट्रिक की फ्लैश लक्स ई-स्कूटर का बेहतर ऑप्शन है। इसी स्कूटर का टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें कंपनी ने 250 W का इलेक्ट्रिक मोटर और 51.2 volts 30A का बैटरी पैक दिया है। स्कूटर फुल चार्जिंग पर 85 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसकी बैटरी को फुल चार्ज करने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश लक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 56,940 रुपये है। लोहिया ओमस्टाली। लोहिया ऑटो की इलेक्ट्रिक स्कूटर लोहिया ओमस्टाली ओमस्टारली एक आरामदायक सवारी और स्थिरता के लिए एर्गोनॉमिक सीटों और स्टाइलिश अलॉय व्हील्स से लेस है। इसी स्कूटर का टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, लिहाजा इसे चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें 250 W का BLDC इलेक्ट्रिक मोटर और 20 A का बैटरी पैक मिलता है। कंपनी के मुताबिक ये स्कूटर एक बार फुल चार्जिंग पर अधिकतम 60 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसकी बैटरी को 3 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इसमें ड्रम ब्रेक के साथ हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। लोहिया ओमस्टाली की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 51,750 रुपये है। ओकिनावा लाइट। ओकिनावा लाइट इलेक्ट्रिक स्कूटर को काफी आकर्षक डिजाइन के साथ पेश किया जाता है। इसी स्कूटर का टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस स्कूटर में 250 W BLDC इलेक्ट्रिक मोटर और 1.25 kW H डिटेचेबल लिथियम आयन बैटरी मिलता है। इसी स्कूटर को एक बार फुल चार्ज करने पर 60 किलोमीटर तक की दूरी तय की जा सकती है। ओकिनावा लाइट को फुल चार्ज होने में 4-5 घंटे तक का समय लगता है। स्कूटर में ऑल LED हेडलैम्प, ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED टेल लैंप, LED इंडिकेटर, EABS रीजनरेटिव ब्रेकिंग, USB चार्जिंग पॉइंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक मिलते हैं। ओकिनावा लाइट इलेक्ट्रिक स्कूटर की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 64,110 रुपये है। डिटल इजी प्लस। सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटरों में ये सबसे सस्ती है। डिटल ने हाल ही में किफायती इलेक्ट्रिक मोपेड इजी प्लस को लॉन्च किया था। इस इलेक्ट्रिक मोपेड को खरीदने के इच्छुक ग्राहक इसे कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 1,999 रुपये की टोकन राशि का भुगतान कर बुक कर सकते हैं। इसमें 48 V और 20 A का बैटरी पैक मिलता है। बैटरी को सीट के नीचे लगाया गया है। कंपनी का कहना है कि इस इलेक्ट्रिक मोपेड में सबसे बेहतर 1.70 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह वाहन फुल चार्जिंग पर 60 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। डिटल इजी प्लस की बिना GST के कीमत 39,999 रुपये है। एम्पियर रियो एलीट। एम्पियर व्हीकल्स मूल रूप से ग्रीव्स का ब्रांड है और कंपनी घरेलू बाजार में काफी समय से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री कर रही है। कंपनी ने हाल ही में रियो एलीट को लॉन्च किया था। एम्पियर रियो एलीट एक पारंपरिक लुक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसमें एक एप्रन माउंटेड हेडलैम्प है जो होंडा डियो की तरह दिखता है। इसमें प्रीमियम लुक वाला LED हेडलैम्प, टेल लाइट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, फ्रंट एप्रन पॉकेट और USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है। एम्पियर रियो एलीट में 250 W BLDC हब मोटर और 48 volts -27 A का बैटरी पैक मिलता है। ये स्कूटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चल सकता है। ई स्कूटर लीड एसिड और लिथियम आयन बैटरी कॉन्फिग्रेशन दोनों में उपलब्ध है।
लिथियम आयन बैटरी पैक से लैस वेरिएंट फुल चार्जिंग पर 60 किलोमीटर तक चलता है। इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में 8 से 10 घंटे तक का समय लगता है। कंपनी इसकी बैटरी पर एक साल की वारंटी देती है। ये स्कूटर चार कलर ऑप्शंस के साथ आता है, जिसमें ग्लॉसी ब्लैक, ग्लॉसी व्हाइट, ग्लॉसी रेड, ग्लॉसी ब्लू रंग शामिल हैं। एम्पियर रियो एलीट इलेक्ट्रिक स्कूटर की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 43,000 रुपये है। बता दें कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर की ड्राइविंग रेंज कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर आधारित है। सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की ड्राइविंग रेंज इसे चलाने के तरीके, उस पर ढोए जाने वाले भार और सड़क की स्थिति पर निर्भर करती है, इसलिए इसमें भिन्नता संभव है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।